may I just add something? अच्छा मैसेज देने का कोई नहीं कह रहा कि यार के आपके ऊपर कोई ये आपके कंधों के ऊपर जिम्मेदारी डाली हुई है कि आपका हर ड्रामा हर फिल्म कोई बहुत पॉजिटिव अच्छा मैसेज दे, बट द कंटेंट दैट यू आर प्रोड्यूसिंग सम पीपल से कि वो अच्छा मैसेज अगर नहीं दे रहा लेकिन नेगेटिव मैसेज दे। कौन है वो लोग? जैसे फॉर एग्जांपल, हां फॉर एग्जांपल जैसे जलन की बात है, ठीक है। पर्सनली आई डोंट हैव अ प्रॉब्लम विद अ लॉट ऑफ इट बिकॉज साली बनोई बहुत खिचपिच हुई। मैंने तो ये भी कहा, पहले भी कहा कि नहीं है, अभी भी मानता हूं कि उसके बारे में नहीं है। मेरा पर्सनली जलन से जो प्रॉब्लम था वो मिशा के ट्रैक के साथ था, ठीक है, जब उसको आग लगा के जलाया गया। ऑल ऑफ दैट मैंने ऑन रिकॉर्ड वो बात की, ठीक है। Some people, audiences, or man, I'm now talking about the feedback that we get on our own reviews. Agreed. They say कि Nand is regressive. Nand के ऊपर जो बात है वही घर की बातें, ये प्लांट मार्क, ये सारी। Agreed. So now a school of thought says कि this is what the audiences want to watch. Because Nand gets a lot of ratings, because Jalan gets a lot of ratings, this is what the producers, i.e. you, would want to produce and give it to the audience. But then there is another school of thought that says कि the audience is watching this stuff because Fahad Mustafa is creating this stuff. Where do you stand on this line of argument? यार देखो, ये बड़ी लंबी डिबेट है, लेकिन मैं एक बात सिर्फ ये कहूँगा कि मैं अपने बचपन में ना अमिताभ बच्चन को देखा हम सब ने। क्या इन्फ्लुएंस अमिताभ बच्चन ने दिया आपको जिंदगी में? 10 लोगों को मार देता था, यही था ना। औरत के साथ नाच लेता था, ऑब्जेक्टिफाई होती रहती थी औरत, आज भी इंडियन फिल्म में होती रहती है, हॉलीवुड में भी होती है। मैं आजकल जिम जाता हूँ सुबह 8 बजे, मैं म्यूजिक वीडियोस देखता हूँ ये पिट बॉल के, जो मैं नॉर्मली मैं नहीं देखता। मुझे दुख होता है वो देख के म्यूजिक वीडियोस। फिर मैं सोचता हूँ कि लोगों को नंद देख के दुख हो रहा है, क्योंकि एक्चुअली जो इंटरनेशनल लेवल पे जितना कुछ गलत गलत हो रहा है, जिसको आप गलत कहते जो कि उनकी नजर में गलत नहीं है, ये शायद मेरी अपनी पर्सनल। नहीं आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, बट एज रीसेंट एग्जांपल इज दिस 365 डेज दैट वाज ट्रेंडिंग ऑन नेटफ्लिक्स। सोचो ना, पीपल हैव स्पोकन अप अगेंस्ट इट। अब पीपल हैव साइंड अ पिटिशन। कितने लोग? 90,000 लोगों ने पिटिशन साइन किया कि इसको उतारो नेटफ्लिक्स से। अब उसका एक आसान हल है। देखो मैं सिर्फ एक चीज कहता हूं, टेलीविजन में यू हैव रिमोट कंट्रोल, आप देखते हो, आप चैनल चेंज कर देते हो। ये कोई नशा तो नहीं है ना कि एक चीज चल रही है, मैंने नहीं देखी 365 डेज अभी तक, और इसीलिए नहीं देखी, मैं सच बता रहा हूँ, क्योंकि मैं जब देख रहा था वो ट्रेंड कर रही होती है हर वक्त। आई गेट इट, इरोटिका लोगों को पागलपन करता है, लेकिन जलन का परसेप्शन गलत बनाया गया इनिशियली। मेरी हसीना आपा से बहस हुई इस बात पे, मैं बड़ी रिस्पेक्ट करता हूँ उनकी, एंड आई लव हर, आई रिस्पेक्ट हर वर्क। तो वो बात बार बार वही जलन की बात, अगर आप वो इंटरव्यू मेरा आप देखेंगे भी ना, तो वो बात में सिर्फ ये कर रहा था कि भाई देखें, एक ड्रामा मैंने बनाया है, अभी उसकी 3 एपिसोड चले, 4 चले, आपको कैसे पता कि आखिरी एपिसोड में क्या करूंगा मैं उसके साथ? बिल्कुल सही है। अगर आप चलते ही लाइव कमेंट्री करेंगे, लाइव कमेंट्री सिर्फ मैचेस की होती है भाई, किसी चलते हुए प्रोजेक्ट की नहीं हो सकती जिसने लंबा चल। लेट इट कंक्लूड। अगर कंक्लूजन में कोई साली बहनोई कुछ गलत, जो के भी ऑनेस्टली, क्योंकि गिल्टी प्लेजर है, जिसको गलत लग रहा होता है ना उसके दिल में वो चोर होगा। कहानियां ऐसे ही बनती हैं, तो उसको लग रहा है यार ये कहीं मैं तो नहीं हूं, यार ये क्या दिखा रहे हैं, ये क्यों दिखा रहे हैं यार, इट्स मेकिंग मी अनकंफर्टेबल, इट्स मेकिंग दैट पर्सन अनकंफर्टेबल, क्योंकि उसका अपना थॉट प्रोसेस जो चल रहा है ना वो वाला चल रहा है। आई एम नॉट सेइंग कि मैंने कोई बहुत कमाल ड्रामे बना दिए, लेकिन मेरा एक हमेशा से थियरी रहा है, मैं चैनल के साथ मिलकर काम करता हूँ, मैं चैनल से पैसे कमाता हूँ, आई एम अ प्रोड्यूसर। मैं साल में 10 से 12 ड्रामे बनाता हूँ, 3 से 4 मैं ऐसे बनाता हूँ जो मेरी अपनी मर्जी के होते हैं, चैनल मुझे फ्री हैंड देता है, मैं बनाता हूँ। अभी डंक मैंने बनाया, मेरे दिल से निकला हुआ ड्रामा, कोई क्वेश्चंस नहीं, लेकिन मैं फिर चैनल के साथ भी काम करता हूँ कि भाई आप बताएं आपको क्या लगता है कि चलेगा। दैट्स हाउ यू बी इन द बिजनेस। You can't just say no to everybody and anybody who, जो बैठे हुए लोग वहां पे जिनको तजर्बा है, जो कि पता है। शुरू में मैं बड़ा वो होता था, क्रिएटिव मसले थे मेरे, क्योंकि मैं एक्टर सोचता था ना अपने आप को कि यार ये कैसे। बट देन यू हैव टू थिंक लाइक अ प्रोड्यूसर आल्सो, यू हैव टू कैटर अ वेरी लार्ज ऑडियंस, नॉट जस्ट फ्यू पीपल। नेटफ्लिक्स मैं मानता भी नहीं हूँ, मैं नेटफ्लिक्स देखता हूँ, हर चीज देखता हूँ नेटफ्लिक्स पे, मुझे पता है आम आदमी को पता ही नहीं है नेटफ्लिक्स पे क्या होता है। किसके लिए ड्रामा बनाता हूं? कौन लोग हैं जो आपका ड्रामा देख रहे हैं? जो जलसों में खड़े होते हैं वो हैं लोग जो आपका ड्रामा देख रहे हैं। आप खड़े हैं कभी जलसे में जाके? नहीं। बस मेरी तो ऑडियंस है वो, आप कहते हैं पाकिस्तान की ऑडियंस ठीक नहीं है, ये कह रहे हैं तो एक अलग बात है, मैं तो इन्हीं के लिए बना रहा हूँ। बट वो ऑडियंस आपको लगता नहीं है कि यूज जाहिल है, एक ही तरह का कंटेंट देखते देखते कोई थोड़ा सा डिफरेंट तरह का कंटेंट। आप मेरा शो देखते हैं? जैसे ऑफ कोर्स देखता हूं। आप मेरे शो में क्या देखते हैं? आपके शो में गेम्स जो आप करते हैं, जो एंटरटेन करते हैं, लोग देखते हैं, ऑफ कोर्स लोग देखते हैं। मेरे आधे से ज्यादा ड्रामे मेरे शो से निकलते हैं। जो मेरा इंटरेक्शन है ना लोगों के साथ, मुझे पता चलता है रिश्ते क्या है, मेरे सामने आके लोग खड़े होते हैं ना, जब नजर आता है मुझे किसका क्या मसला है, कौन किससे कितनी बात कर सकता है, कि ऐसे बात करना और एक्चुअली है क्या वो करना एक अलग बात है। फिर जी बात है कि हमारे ड्रामे जी बड़ा एक ही टाइप का ड्रामा है हमारा। इंडिया क्या करता है भाई, नेटफ्लिक्स देख रहे हो तुम भी, 10 चीजें इंडिया की पिछली चली है, मिर्जापुर उठा लो, गैंग्स ऑफ वसेपुर उठा लो, अभी जो ये सेक्रेट गेम्स उठा लो, और कौन सा है ये पातालोक उठा लो। क्या है, क्या अलग है, क्या मैसेज क्या है इन सब में से, चलो मुझे ये बता दो। अक्षय कुमार सबसे बड़ा स्टार, क्या मैसेज देता है वो आपको? शाहरुख खान ने आज तक कौन सा मैसेज दे दिया आपको? सलमान खान ने क्या मैसेज दे दिया आपको? हम बोले कि हमारी फिल्म आ रही है ईद पे 2, अजीब सलमान खान सा महसूस हो रहा है। ओ भाई दुनिया, ऐसा लगता है हम इंडिया से आए हैं। ओ यार, तो बात करने के लिए ना देखो सबके पास बात, ये नहीं हो सकता कि 12 ड्रामे बनाऊं और 12 के 12 तुम्हारे दिल के पास से हों। अच्छा फिर गलत तो साबित कर दो, मत देखो ड्रामा, फ्लॉप कर दो उसको, भरपूर देख एंजॉय। बड़ी से बड़ी पार्टी, रक्षे वाला चौकीदार, जलन और नंद देख रहा है भाई, क्यों देख रहा है? मैंने गन पॉइंट में बोल रहा हूं उनको देखो। तो एक बात तो ये है कि आप ये नहीं, एज अ प्रोड्यूसर आप ये नहीं कह सकते कि यार मैं आमिर खान नहीं हूं भाई, मैं साल में एक काम नहीं करता। एज अ प्रोड्यूसर मैं बात कर रहा हूं, तो मैं हर चीज बनाना चाहता हूँ और मुझे मजा भी आता है, बिकॉज यू कांट बी मेकिंग सर्टेन थिंग्स अगेन एंड अगेन, इट्स बोरिंग। हर बात ये लेके आना कि अब मैं क्या मुद्दा लेके आऊं और मैं क्या आपको मैसेज दूं, इट्स ओके, समटाइम्स देयर आर नो मैसेजेस, इट्स जस्ट शेयर एंटरटेनमेंट। आपको एंटरटेन होना है आप देखें ड्रामा, आपको नहीं होना यू हैव द चॉइस। हाउ कम ऑल दीज रोमांटिक प्लेज एंड ऑल दीज अदर प्लेज आर नॉट डूइंग गुड? यू डोंट इवन टॉक अबाउट इट, यू टॉक इट जस्ट बिकॉज के यार गिल्ट होता है कि यार इसके बारे में कर लेते हैं बात, वरना बोलेंगे कि यार क्या बनता नहीं है बॉस, कोई नहीं देख रहा, तुझे भी पता है मुझे भी पता है, क्यों नहीं देख? दिस इज व्हाट आई वांट टू अंडरस्टैंड। मे बी वी आर नॉट गुड एट इट, दैट्स व्हाट आई एम आस्किंग यू, यू बीइंग वन ऑफ पाकिस्तान्स मोस्ट सक्सेसफुल प्रोड्यूसर, एज आई सेड, एज आई पुट इट, आप जो कंटेंट बना रहे हैं लोग देख रहे हैं, नो डाउट अबाउट इट, जलन नंद हाईएस्ट रेटिंग सब कुछ आ रहा है, लोग हमारी ऑडियंस, बात वही आ जाती है, जलन और नंद जैसे ड्रामों में क्यों इंटरेस्टेड है? वो दूसरे जैसे अर्थुरो चला, बड़ी हाई मची, लोगों ने देखा, बट अर्तुरुल एक एक्सेप्शन है जो कि पूरे एक साल में इसके ममनू भी चला था, चला था, बिल्कुल क्या था उसके अंदर, चल मुझे बता। से मैंने सवाल पूछा, बिल्कुल थे, मैकबेथ था, मैकबेथ था या ओथेलो था, इनमें से कोई एक है जिसमें वो बाप चचा का और वो जो चक्कर मकबूल के, मैकबेथ, मैकबेथ, सड़कें खाली हो जाती थी, क्या था, चचा भतीजा थे, भतीजा जो था वो अपनी चची के साथ इश्क लड़ा रहा था, और ठीक ठाक माशाल्लाह से वो, अगर YouTube पे आपने थोड़ा बहुत देखा हो तो बड़ा खतरनाक था, और हमारे सारे पाकिस्तानियों ने जाके माशाल्लाह से वो देखा। मैं बनाऊंगा तो जलन ही नाम होगा ना उसका भाई,